तो मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो आप सभी। तो वेलकम है आपका मेरे को और एक नई वीडियो के अंदर। तो गाइस फाइनली मैंने ला दिया टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। तो कल की वीडियो में मैंने बोला था कि वीडियो आने वाली है, तो गाइस आज मैंने ये वीडियो ला दिया और मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी रैंक पुश कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंने बस दो ही दिन में इजीली ग्रैंड मास्टर लगा लिया था, ये भी सोलो खेल के। तो आप सभी को मैं इस वीडियो के अंदर टिप्स एंड ट्रिक देने वाला हूँ कि आप सभी कैसे सोलो के अंदर स्क्वाड हो चाहे डुओ, तो आप सभी इजीली लगा लो ग्रैंड मास्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे प्रूफ भी दूंगा कि मैं दो दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर लगाया था कि नहीं, और आप सभी को मैं अपना पूरा मतलब ओवरऑल दिखाऊंगा कितना गेम मैंने खेला था, कितना भुया लिया था। इंट्रो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक देते हैं पहले। तो पहले आप सभी को मैं प्रूफ दे देता हूँ कि मैंने दो दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर लगा लिया था। तो जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं, आज 4 तारीख है, मतलब कल 4 तारीख था, तो मैंने एक दिन पहले का वीडियो रिकॉर्ड किया, आप सभी देख ही सकते हो। तो मैंने 4 बज के मतलब रात में लगा लिया था, तो मान के चलो कि दो दिन के अंदर मैंने इजीली ग्रैंड मास्टर लगा लिया था, ये भी सोलो खेल के। तो आप सभी को मैं अपना दिखाता हूँ ओवरऑल कि मैंने कितना गेम खेला है और कितना भुया लिया है। तो चलो आप सभी को दिखाते हैं। पर मैं आपसे प्रोफाइल देख सकते हो, मैं 8000 बंदे ग्रैंड मास्टर जा सकते हैं, तो मैं 802 बंदे पोजीशन पर चल रहा हूँ। और आपसे मेरा गेम देख ही सकते हो, वो 121 मैच खेला हूँ और 49 भुया लिया हूँ, मतलब काफ़ी ज़्यादा भुया लिया हूँ। और मैं सोलो विंस के भी अंदर चल रहा हूँ, सोलो विंस में 24 पोजीशन है। तो अब चलिए आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक देते हैं ये भी गेम के अंदर। तो मैं आप सभी को टिप्स एंड ट्रिक अपने गेम के माध्यम से देने वाला हूँ, जैसे मैं गेम खेलूँगा इसके अंदर मैं आप सभी को बताऊँगा कि आप सभी को कब क्या करना है। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे मेन चीज़ बता रहा, मैं भूल ही रहा था, आप सभी को पहले कैरेक्टर स्किल दिखा देता हूँ कि आप सभी कौन सी कैरेक्टर स्किल लेके खेल सकते हो। जो फर्स्ट वाले देख रहे हो आप सभी, इसको फुल जैसे आप सभी फुल रश गेम प्ले करते हो, तो इसके लिए आप सभी को ये काम कर सकते हैं। और सेकेंड वाला तो मेरा ही है, मैं सोनी और डीमेटी लेके खेलता हूँ, सोलो के अंदर काफ़ी बंदे लेके खेलते हैं, तो मेरे को इसे ही कंफर्टेबल फील होता है, मारता हूँ तो रिवाइव हो जाता हूँ एक बार। तो अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी को कैरेक्टर स्किल मैंने बता ही दिया, आप सभी को दोनों में से कोई एक लेके खेल सकते हो। सोलो के अंदर तो मैं बोलूँगा आप सभी को कि आप सभी सेकंड वाले लेके खेल सकते हो, थर्ड वाले लेके खेलोगे तो आप सभी को मतलब जोन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगा कि आप सभी जोन में लूट भी कर सकते हो के साथ, और आप सभी गाड़ी लेके जोन भी पकड़ सकते हो। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी लॉबी देख ही सकते हो कि लॉबी कैसी आई है, मैंने सोचा आप सभी लॉबी दिखा दूँ, नहीं तो कोई कमेंट करेगा बंदा कि नूब लॉबी दिखा रहा हूँ। तो आप सभी देख सकते हो बंदे नूब भी नहीं है, इतना प्रो भी नहीं है। ये बता देता हूँ आप सभी को पहले बार कि ये स्टार्टिंग के दिनों का रैंक पूछे, तो स्टार्टिंग के दिनों काफ़ी हार्ड लॉबी आती है। चलो एक बंदा था फाइनली, मैंने इसको भी ख़त्म किया, तो मैंने मर्ड साइड लैंड ही किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम रिवाइव होने का ऑप्शन है, तो जितना किल निकाल सकते हैं, और सेकेंड बार मरेंगे तो सर्वाइव करेंगे। चलो देख ही सकते हो मेरा कैरेक्टर स्किल काफ़ी गंदा काम किया इधर, मतलब मेरा सोनिया था तो मैं बच गई इसलिए डिमेट्री लगा के। चलो मेडकी लगाते हैं, हमें 2 किल हो चुका है। तो स्टार्टिंग के दिनों में आप सभी को 4 से 5 किल निकालोगे इजीली, तो प्लस मिल जाएगा। एक और बंदा आया, तो फाइनली बंदा ख़त्म, बंदे बस मैक्स 7 था, फिर भी बंदे नहीं मार पाए मेरे को। अब लगाते हैं मेडकी, एक राजा नाम का बंदा है, बहुत ही मार रहा है गंदा। ऑलराइट पहले मेडकी लगाते, एक और बंदा आया, ये बंदा मेरे को मार सकता है कि मेरी एचपी फुल नहीं थी और बंदे के पास M10 भी था। तो अब आप सभी को ये केयर करना है कि आप सभी जब सेकेंड बार मरो तो आप सभी को अच्छी जगह लैंड करना है, जहां आप सभी कंफर्टेबल फील हो। चलते हैं अच्छी से लैंडिंग करते हैं, देख ही सकते हैं नीचे काफ़ी बंदे लैंड करें। तो पहले हम लोग एक घर पकड़ के इधर सर्वाइव मारेंगे, मतलब हम लोग इधर से जब निकलेंगे, जब बंदे आधा हो जाए, जब लगे कि माइनस नहीं हो पाएगा, तो अब निकल के लूट ले लेंगे। पर अब तो भरपूर लूट मिलेगी नहीं, फुल लूट नहीं मिल पाएगी, पर हल्की सी लूट मिल सकती है। एक बंदा है, इसको मारना नहीं है क्योंकि बंदे के पास अच्छी खासी लूट है। तो पहले हम लोग सर्वाइव मारते हैं, बंदे कम होंगे तो इधर से निकलेंगे। आप सभी देख ही सकते हो अभी 48 बंदे बचे हैं, इधर से हम लोग मरते हैं तो काफ़ी गंदे का माइनस लगने वाला है, और 3 बंदे हैं। तो आप सभी देख ही सकते हो मैंने सर्वाइव मतलब इधर ही मैं स्टार्टिंग से बैठा था और 48 बंदे थे, अभी 19 बंदे बचे हैं, तो अभी माइनस तो लग नहीं सकता है। तो चल के लूट करते हैं, इधर लूट करते हैं, और बंदा आएगा तो इसको मारने का भी ट्राई करेंगे क्योंकि अब माइनस लग नहीं सकता है, क्या पता कोई बंदा आ भी गया तो मार देंगे इसको इजीली। तो फाइन ड्रैगन भी मेरे को मिल गया है, ओके, मतलब मेरे को शॉर्ट रेंज की काफ़ी खतरनाक गन मिल चुकी है, तो शॉर्ट रेंज में बंदा मार सकता हूँ। मतलब ये प्रेफर करूँगा कोई बंदा शॉर्ट रेंज में आएगा तो इसको मैं शॉर्ट ही गन से मारूँगा क्योंकि लॉन्ग रेंज की गन मेरे पास है नहीं। अब चलते हैं इधर से,
तीनों घर में लूट लिया, लूट तो थी नहीं मेरे पास अच्छी खासी। एक और बंदा आया अभी, एरा ऑलरेड मार्टिन्स को सोनिया एक्टिव। बंदा नॉक हो गया है और डिमेटी बंदे लगा लिया है, और बंदे ने नाड़ी कैरेक्टर लगाया, मतलब मेरा सब सेम ही इसने कॉम्बिनेशन लगाया है। लग रहा है इस बंदे को मेरे पहले से मेरी वीडियो पता चल गई थी कि दीप भाई कौन सा कैरेक्टर स्किल बताने वाले हैं, क्योंकि गाइस काफ़ी कॉमन मतलब है कि कोई बंदा यही लेके खेलता है। चलो मतलब ये गन रहता है तो बहुत काम करता है अच्छा वाला, आप से इसको लॉन्चर फेंक के भी मार सकते हो। चलो बंदे को लगा 83 का डैमेज, चलो इसको ऊपर चढ़ के मारते हैं। मतलब पहले मैं दिमाग नहीं काम किया था कि ऊपर चढ़ के मार दूँ इसको, चलो चल के मारते हैं क्योंकि इसका सोनिया डीएक्टिवेट हो गया तो हम लोग मार सकते हैं इसको इजीली। फाइनली बंदा ख़त्म, फाइनली मैं 4 किल हो चुका है और 16 बंदे बचे हैं अभी भी। चलो वॉल भी टूट रही है, पता नहीं अब नारी का थोड़ा मतलब नारी कैरेक्टर का थोड़ा कम कर दिया है वॉल टूटने वाला, क्योंकि वॉल बहुत तेज़ी टूट जा रहा है। मतलब पहले तो भाई टूटना नहीं था, अब आप सभी स्कार की गोली मारते हो लगता तो टूट जाएगा। पहले तो फेंकना पड़ता था गुलवान मेटर तो टूटता नहीं था। अभी तक हम सभी को भुइया लेना है, क्योंकि उन्होंने 4 किल कर लिया है और 15 बंदे लाइव है, तो भुइया लेंगे तो पूरा प्लस मिलेगा। और स्टार्टिंग के दिनों में लॉबी तो काफ़ी हार्ड आती है, आप सभी को पता ही होगा कि आप सभी रैंक पुश करते ही होगे तो पता आप सभी को चल ही गया होगा। चलो जोन मेरे पास है नहीं, अब चलते हैं जोन के अंदर पहले। और मेरे पास वेस्ट भी है भाई, तो एक लेवल की पूरी काली है, क्योंकि मैंने पहले में थोड़ी मिस्टेक कर दी थी कि मैं मर गया था इधर ही, पर थोड़ा किल निकाले 3 तो मेरे को इसके लिए इसके हिसाब से अच्छा खासा प्लस मिल भी सकता है। चलो वेस्ट भी मिल गया सामने की साइड, मतलब एक बंदे को मारूंगा तो मेरे को लूट मिल जाएगी अच्छी खासी एकदम। पहले हम सभी को जोन भी पकड़ना है। ऑल राइट, M10 है बस, ड्रैगन की काफ़ी अच्छी खासी एमओ है, थोड़ा लूट कर लेते हैं। बंदे तो उतरे ही नहीं है, स्टार्टिंग दिन में यही होता है ना, आप सभी को बहुत कॉर्नर में बंदे मिलेंगे, मिडिल में बंदे एक भी नहीं मिलेंगे, कुछ ही बंदे होते हैं जो उतरते हैं। स्क्वाड में तो ना के बराबर बंदे मिलते हैं, जो मर के उतरते हैं वही मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बंदे की पोजिशन चेक करेंगे, क्योंकि पूरा ओपन से हम सभी को जाना है और बंदे भी मार सकते हैं हम सभी को। जो ड्रॉप गिरा है भाई, एक और बंदा है ड्रॉप के पास, बंदे ने हेड मारा है, लगा 51 का डैमेज। एक मेडकिट मार के रश करते हैं, बस ये केयर करना है कोई थर्ड पार्टी मत करे। अब ओपन में फंस गए तो बंदे को मार ही लेते हैं। आगे पीछे कोई बंदा दिख नहीं रहा है, बंदा वॉल तोड़ा है भाई। चलो देखो थर्ड पार्टी एक बंदा मार रहा है मेरे को सामने से, इधर मैं मार सकता था पर ट्रैगन था कि मैंने बंदे को हल्का सा डैमेज दे दिया है। ऑल राइट, मेरा वॉल टूट गया, जैसे कि मैंने बोला था कि मेरा वॉल टूट सकता है, क्योंकि इस समय नारी कैरेक्टर का एबिलिटी काफ़ी कम कर दिया गया है। ओके, बंदे को मारने का वेट करते हैं, पहले इसका बॉल तोड़ते हैं। हेड लग गया, मतलब बंदे को मैंने एचकेयर से ही हेड मारते में बॉल तोड़ रहा था। तो बंदा फाइनली ख़त्म हो गया, तो हम सभी को भी जोन के अंदर भी जाना है, क्योंकि हम लोग जोन के बाहर हैं इस टाइम। तो मेडकिट मार के निकलते हैं, मेरे पास मैक्सिन करेक्टर है नहीं, तो मतलब मैंने एक बंदे को मार दिया तो मेरे पास 4 का वेस्ट आ चुका है, इसको रिपेयर करना है। एक लॉन्च पैड भी मिल गया था, तो जोन के अंदर चल के घर पकड़ेंगे। पक्का है कोई बंदा जरूर बैठा होगा घर के अंदर, क्योंकि भाई लास्ट जोन में बंदे तो पक्का घर के अंदर बैठे ही होंगे, क्योंकि सबको ग्रैंड मास्टर रैंक पुश करना है। एक वॉल लगा के चलते हैं घर के ऊपर, बंदा हो सकता है पर घर के ऊपर जाएंगे नहीं, पहले थोड़ा सा होल्ड मारेंगे, बंदे की पोजीशन चेक करेंगे, मतलब कोई बंदा आसपास नहीं रहेगा तो बंदे पे रश करेंगे, क्योंकि कोई बंदा थर्ड पार्टी भी कर सकता है और हम लोग इजीली मर भी सकते हैं। एक मेडकी लगाते हैं, लड़में लगाते हैं, इधर कोई बंदा आता है बाई चांस खिड़की से तो बंदा मर जाएगा इजीली। ओके, नीचे चेक किया मैंने, बंदे लैंडमाइन लगाया था भाई, कितना लैंडमाइन लगाया था, यदि मैं जाता तो पक्का मर सकता था इधर। ठीक है, पहले थोड़ा वेट करते हैं, एक बम डालते हैं, बंदा सीढ़ी से कहीं और जाएगा तुरंत ही रस करेंगे। ओके, बम फूटा मेरा, अब चलते हैं ऊपर। कहाँ बंदा है, नीचे आ गया बंदा, मतलब बंदे ने बम का साउंड सुना तो बंदा नीचे चला गया था। तो फाइनली बंदा खत्म, मतलब बंदे के पास भी यही सेम भाई साहब, एक और बंदा, मतलब नीचे से दूसरा बंदा आ गया था, थर्ड पार्टी हो गया था मेरे पास, हो गया है अब। ड्रैगन ने तो मार दूंगा बंदे का सोने एक्टिव हो गया, फाइनली बंदा डाउन, इसको मार दूंगा अभी इजीली, क्योंकि इधर से गैपिंग है जाने के लिए। मारते ख़त्म करते हैं, तो फाइनली मेरा 7 किल हो चुका है और 3 बंदे बच रहे हैं अभी भी। राजा भाई कितना मार रहा है इसको, मैंने स्टार्टिंग में देखा था, बंदे का 10 प्लस किल तो पक्का ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में इसने 5-6 किल निकाल लिया था इजीली। ओके,
पहले वेस्ट रिपेयर करते हैं अपना। बंदे लोग ने पूरा वेस्ट ही फाड़ दिया है मेरा। ओके तेरी फाइट तो चल रही है, लग रहा है वॉल लगा है। ऊपर ही ऊपर की साइड से देखते हैं पहले कोई बंदा दिखेगा ओपन में तो संभाल के ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि बंदा कोई हेड लगा के मार भी सकता है। ओके बंदे की पोजीशन पता नहीं, मेरे पास बम काफ़ी है पर पोजीशन पता रहता तो बम डालता मैं। ऑलराइट देखते हैं जोन, तो जोन मतलब अब बना ही नहीं है सर्कल, अब जोन बसाने वाला है। दो बंदे बच रहे हैं और दोनों बंदे पोजीशन ही पता है। यही लास्ट दोनों बंदे ट्राई करते हैं थर्ड पार्टी करने के लिए, इसीलिए कोई बंदा ना पोजीशन बता नहीं रहा है। दो बंदे तो आपस में फाइट कर रहे हैं। ओके थर्ड पार्टी करने का वेट करेंगे, पहले दो बंदे फाइट तो कर ले आपस में। ओके चलो देखते हैं। तेरा बंदा ओपन में आ गया था भाई, हेड मार सकता था मैं इसको। लास्ट ही का बंदा बचा है, बस नीचे भी जाना है मेरे को। नीचे से इधर साइड से जंप नहीं करेंगे क्योंकि बंदा मार देगा मेरे को इजीली। ओके अब चलते हैं नीचे इधर से, लास्ट का बंदा बचा है इसको मार के हम लोग भुया ले लेंगे और देखते हैं कितने का प्लस मिलता है इस गेम के अंदर हम सभी को। तो गाइस आप लोग वीडियो में अभी तक बने तो लाइक कर देना, वीडियो कैसा लग रहा है भी कमेंट कर देना, तो मेरे को फीडबैक मिल जाएगा कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। चलो भाई बंदा डैमेज दे रहा है, राजन नाम का बंदा है क्या पता नहीं मेरे को। ओके यही बंदा लग रहा है बचा है राजन नाम का, इसी को मारते। बंदा काफ़ी हार्ड है, पता हार्ड लॉबी के अंदर मैं आपसे टिप्स एंड ट्रिक दे रहा हूँ, तो आप सभी अप्लाई कर सकते हो कौन सा भी लॉबी आए। ओके एक बम डालते हैं, बंदे बम से थोड़ा पैनिक होगा तो रश करेगा मेरे साइड। ये रहा बंदे के पास एम10 है, हेड लगा बंदे को, बंदे का सोनी एक्टिव है। फाइनली बंदा राजा नाम का बंदा था, तो फाइनली मैंने इसको मार के भुया ले लिया है। अब देखते हैं कितने प्लेस प्लस मिलता है हम सभी को इस गेम के अंदर। प्लेस बोलने वाला था मैं, तो मैं डेली मिशन का गेम था तो इसीलिए मैं और अच्छे से खेल रहा था, तो 59 प्लस मिल चुका है इस गेम के अंदर। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, तो आपसे भी कमेंट करना कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं कभी किसी और एक नई वीडियो के अंदर, तब तक लेवल गाइस टाटा बाय बाय।